हमारे संकल्प कागज के फूल नहीं पत्थर की लकीर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। दरअसल कुछ ऐसी ही शुरुआत भाजपा के 2.0 के संकल्प पत्र की थी, जहां योगी सरकार की 1.0 में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के बाद बुलडोजर बाबा के नाम से ख्याति पाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को अपने दूसरे कार्यकाल में बतौर सीएम पद की शपथ ली। और जब से भाजपा की सरकार सत्ता पर विराजमान हुई है, तब से लगातार सफलता के झंडे ही गाड़ रही है। लेकिन योगी @1.0 यानी कि पहले कार्यकाल में अपराधियों और माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई ने सीएम की बुलडोजर बाबा की छवि बनाई थी। बेहतर शांति व्यवस्था और दंगा मुक्त राज्य ने उनकी छवि को देश भर में चमका दिया था, मगर प्रयागराज में दिन दहाड़े गोलीबारी और गवाह हत्याकांड ने इस छवि पर एक बार फिर आंच पहुंचाई है। मुख्यमंत्री लगातार संवेदनशील शासन प्रशासन पर जोर देते रहे हैं, पर कानपुर देहात में मां बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर हुई मौत पर अफसरशाही के रवैये ने एहसास कराया कि संवेदनशीलता के पैमाने पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ के पूरे कार्यकाल को और उनकी सरकार को 6 साल का समय पूरा हो चुका है, तो ऐसे में अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने का भी प्रयास करते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब तक क्या कुछ बड़े बड़े काम किए जिसको लेकर वो दावे करते हैं। 6 सालों में यूपी हुआ दंगा मुक्त, प्रदेश में बने 7 पुलिस कमिश्नरेट, हर रेंज स्तर पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना, सबसे अधिक शहरों में मेट्रो सेवा वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे संचालित, 5 निर्माणाधीन, प्रदेश में 9 एयरपोर्ट संचालित, 12 निर्माणाधीन, देश का पहला वाराणसी से हल्दिया वाटरवे यूपी में बना, प्रदेश के 12 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, देश में सबसे ज्यादा यूपी में बन रहे मोबाइल, यूपी को मिले 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, लगभग 15 करोड़ लोगों को मिला फ्री राशन, लगभग 35,000 ग्राम पंचायतों को मिली पेयजल की सुविधा, प्रदेश में एमएसपी पर आलू की खरीद, श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का विकास, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण, कुंभ दीपोत्सव और रंगोत्सव का भव्य आयोजन। तो योगी 2.0 का रिपोर्ट कार्ड हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब ये जानना भी अब बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर जिस तरीके से विपक्षी दल इल्जाम लगाते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है या खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने बीते 6 सालों में जितने भी फैसले लिए वो मुस्लिमों के विरोध में लिए हैं, वह इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शफात हुसैन बीजेपी से जुड़ चुके हैं। वही अगर सपा की बात करी जाए तो नितेंद्र सिंह यादव सपा से हमारे साथ जुड़े हैं और इमरान लतीफ आप से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप सभी का प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है शाफत हुसैन जी, हमारे संकल्प कागज के फूल नहीं पत्थर की लकीर होते हैं, संकल्प पत्र 2.0 में ये सबसे पहली लाइन थी जिसका जिक्र किया गया था, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो ये सारे शब्दों का जिक्र किया गया था इस पर भाजपा खरी उतर पाई है? जी शाफत हुसैन जी, मुस्कान जी, आपके चैनल से मैं सभी को नमस्कार करता हूं और सभी देश और प्रदेश वासियों को रमजान की मुबारकबाद देता हूं। मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ता में आई और जो वादे और जो संकल्प पत्र दिया, पहले संकल्प पत्र आते थे और दलों के, वो कागज पर होते थे, मात्र एक घोषणा पत्र होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का, तो
धरातल तक पहुंचाने का काम किया और जितनी भी योजनाएं केंद्र और प्रदेश उनको धरातल तक और अंतिम अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, जिसमें आपने अभी खुद ही बताया कि जो राशन जो बढ़ता था वो 15 करोड़ लोगों को मिला। इससे पहले आप देखिए कि राशन की दुकानों पर राशन जो है ब्लैक मार्केटिंग होती थी, बिक जाता था, लोगों को मिल नहीं पाता था। और कानून व्यवस्था जो आपने देखा कि पिछली सरकारों में किस तरह से रही, कि पिछली सरकारों में जो कानून व्यवस्था थी, मुख्यमंत्री आवास से मुलजिमों को छुड़ाया जाता था, आज अगर कोई भी जुर्म करता है तो उसकी रूह कांपती है और उस पर तुरंत एक्शन होता है। इसको कहते हैं, इसको कहेंगे योगी सरकार जी की उपलब्धि कि ये जो माफिया है वो जो है या तो जेल में है या जो है जमीन के अंदर है। और जो इस तरह का काम करते हैं, आपने अभी इलाहाबाद प्रयागराज का नाम लिया, प्रयागराज में आपने देखा कि किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की। ये योगी सरकार और पुलिस का प्रशंसनीय काम कार्य है कि उन्होंने तुरंत जो है तत्काल जो भी उसमें लिप्त थे उनको उनके उनको पकड़ा और मुठभेड़ में मार गिराया। इस तरह से और जो बाकी बचे उनकी तलाश हो रही है। और आपने देखा कि किस तरह से जो विकास का एक्सप्रेस वे का आपने जिक्र किया वो उनका काम चल रहा है। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखा जो कि कंप्लीट हो चुका है हमारा, और मेट्रो का काम जो कि है पूरे यूपी में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है उनका उद्घाटन लोकार्पण हो चुका है और जैसे ही जल्द से जल्द उसका भी काम शुरू किया जाएगा। और आपने देखा जो जो हमारे धार्मिक स्थल जो सनातन धर्म के धार्मिक स्थल जो विवादित उसमें थे, आपने देखा कि किस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो संकल्प था कि हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और काशी में जो आपने देखा कि जो कॉरिडोर बनाया है उसका भी जो है कार्य पूरा लगभग हो चुका है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो मथुरा की विवादित मस्जिद है उसका भी आपसी समझौते से हल निकलने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि 24 के आते आते आपकी समझौते से मथुरा का भी हल निकलकर सामने आ जाएगा। बिल्कुल नितेंद्र जी, जिस तरीके से अभी शाफत हुसैन जी ने जिक्र किया कि मथुरा मुद्दे का भी हल 2024 से पहले निकल आएगा, तो क्या लगता है 2024 में अब राम मंदिर के बाद जो बीजेपी है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को लेकर अब मुद्दा बनाएगी? धन्यवाद मुस्कान जी, हमारे साथी ने बहुत ही डिटेल से बताया। अभी मुझे सिर्फ इतना कहना है, पहले तो इनको हम बधाई देना चाहते हैं एडवांस में कि इन्होंने मथुरा मुद्दे की बात की है और इन्होंने कहा कि उसका बातचीत से हल निकल जाएगा, तो इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 2024 में उसको भी निपटा दें ताकि देश में मन चैन का माहौल बना रहे। बिल्कुल, अब मैं एक लाइन से अपनी बात को कहना चाह रहा हूँ। हमारे साथी ने बहुत ढंग से कहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी फाइलों में गांव का मौसम बहुत गुलाबी है, ये वादे झूठे लेकिन आंकड़े किताबी हैं। अब इसको मैं प्रमाण सहित कहने जा रहा हूं। अभी आपने बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी का जो विज्ञापन था उसको आज आपने अपनी रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से पढ़ के सुना। ये विज्ञापन नहीं था सर, पहले तो मैं आपको बता दूं सर, पहले मैं आपको बता दूं ये विज्ञापन नहीं था, ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें थी उसका जिक्र था। उत्तर प्रदेश में टोटल गांवों की संख्या है 106,000 और ये विज्ञापन अखबार छप के बता रहा है कि 121,000 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया इन्होंने। मुस्कान जी, जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बोलने की। जी सर, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगी कि जो अभी हमने लोगों को समझाने का प्रयास किया वो सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन बातों का जिक्र किया गया वो हमने दिखाया। मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा कनेक्ट करवा दे। जी नितेंद्र जी, हम दोबारा आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब हम सीधा चलते हैं, आम आदमी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने तमाम काम किए हैं, लोगों का विकास किया है, लेकिन इमरान जी अक्सर उनकी सरकार पर ऐसा इल्जाम लगता है कि वो मुस्लिम विरोधी सरकार है। जी इमरान, मुस्कान जी मुझे क्लियर कर लेना, मुझे पूरी बात। जी नितेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन पहले मेरा सवाल इमरान लतीफ जी से है। जी इमरान जी बताइए। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से सरकार चल रही है जी, अगर उसके विषय में बात करेंगे तो सिर्फ दो पंक्तियां याद आती हैं जो बिल्कुल जागरूक बैठती हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल पर, कि
हालत जो उत्तर प्रदेश की सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर आप किसानों की बात करेंगे तो आज जो आलू जिन किसानों ने जमीन के अंदर उगाया था और आज उसको लेकर वो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको कहीं पर उसको रखने का ठिकाना नहीं मिल रहा है, औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हो रहे हैं आज के किसान। आप अभी गन्ना किसानों की बात करेंगे तो ये सरकार समय पर गन्ना किसानों के लिए गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं कर पाती है, खरीदना बेचना तो बहुत दूर की बात है। अभी आपने देखा है गेहूं की फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अभी तक जो इनका सरकारी महकमा है वो लेकिन सर हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से भाजपा पर ये आरोप लगते हैं कि उनकी सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी सरकार है। देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये कहना कि खाली मुस्लिम विरोधी है, मैं इस बात से सहमत नहीं रहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सबका खून चूसने का काम कर रही है, साथ ही साथ मुसलमानों का भी खून चूस रही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये जो आलू लेके जो किसान घूम रहे हैं खाली मुसलमान है क्या, वो जो गन्ना जो लोग उगाते हैं खाली मुसलमान है क्या, या जिस जो बेटी हाथरस के अंदर अगर पिछले कार्यकाल की बात करें जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके बाद उसके साथ किस तरह की दुर्गति की गई इस सरकार के द्वारा, क्या वो मुसलमान थी क्या? तो ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ठीक है ये मुसलमानों के साथ इनकी नफरत पहले से रही है और ये उनका एजेंडा है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ उस नफरत के नाम पर आज सबको ठगने का काम किया जा रहा है, सबको परेशान करने का काम किया जा रहा है, मैं ये इस तरफ ध्यान इंगित कराना चाहता हूँ। ऐसे तो अभी अगर आप जी शाफा जी सीधा तौर पर आपकी पार्टी पर अब ये इल्जाम लग रहे हैं कि आपने इन 6 सालों में जो मुस्लिम विरोधी काम किया है, मुस्लिमों को बरगलाने का काम किया है। मुस्कान जी मुझे अपनी बात, ये एक आरोप है और ये कांग्रेस सपा बसपा और ये नई तौर पे आप आ गए इनके लिए, जो अभी इन्होंने एक शेर सुनाया, मैं इनको एक शेर सुना दूं, इनको शेर का बड़ा शौक है। न थी हाल की हमें जब अपनी खबर, रहे ढूंढते दूसरों के ऐब हुनर, पड़ी जब अपनी बुराइयों पे नजर तो नजर में कोई बुरा ना रहा। आज इसे पूछिए पंजाब का क्या हाल है, पंजाब संभाले नहीं संभल रहा है। और रही बात मुसलमानों की दुश्मन, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को भारत का अभिन्न अंग मानती है, वोट बैंक नहीं मानती है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी ने मदरसों की जांच कराई तो उन मदरसों की जांच कराई जो फर्जी तरीके से मदरसे चला रहे थे और मुस्लिम बच्चों के साथ शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनके जीवन को बर्बाद कर रहे थे, उन मदरसों पर हमारी सरकार ने कार्रवाई की है। और जो 8200 मदरसे फर्जी निकल करके आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो मुस्लिम बच्चे बेचारे शिक्षा हासिल कर रहे थे उनकी डिग्री का कोई महत्व नहीं था, ऐसे मदरसों को हमने बंद करने का काम किया। और जो मदरसे बच्चों का वजीफा गरीब बच्चों का खा जाते थे उनको हमने आधार से जोड़ने का काम किया। ये हमने मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं, वो मुस्लिम समाज के लिए हमने भले का काम किया। आज हमने मदरसों में आधुनिक, हमारी सरकार ने मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा। आज 2200 मुस्लिम मदरसे के बच्चे यूपीएससी में बैठे थे, जो 1800 बच्चे यूपीएससी का एग्जाम पास करके आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है ये। और आप देखिए कि आप दंगा की बात करें कि मुसलमान, आज देखिए जब से योगी सरकार आई है तो आपने देखा होगा पिछली सरकारों में बरेली में उत्तर प्रदेश में 150 दंगे हुए, कांवड़िए जुलूस लेकर जाते थे, आज उन पर वर्षा डाली जाती है, इससे पहले उन पर पत्थर फेंके जाते थे, ये किसकी सरकारों में काम होता था? आज भाईचारा और एकता की बात हो रही है, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। और ये जितने भी दल हैं ये जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी सरकार सत्ता में कैसे आए, हम कैसे लूट घसोट करें, हम कैसे अपने अपने जो है अपने सांसद विधायक जो गुंडे जिनको संरक्षण प्राप्त होता है उनको किस तरह विधानसभा में भेजे, इस तरह का काम ये लोग करते थे, ये अब नहीं होने वाला। जनता जान चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन करके रहेगी। और भारत जो अब जो है वो भारत जो है अब अपनी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, जनता देख रही है और जनता इनको इस 24 के चुनाव में भी जवाब देगी और बहुत जल्द जवाब देगी, ये अपना अस्तित्व खो चुके हैं सारे। बिल्कुल इमरान लतीफ जी जल्दी अपनी बात को समाप्त करें ताकि मैं और भी लोगों से बातचीत कर सकूं। मुस्कान जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त ये बताएं कि 72 महीने से इन्होंने आधुनिक मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह क्यों खा कर ये बैठे हैं, उसको क्यों हड़प करके बैठे हैं, क्यों नहीं 72 महीने से आधुनिक मदरसा शिक्षकों को तनख्वाह दे पा रहे हैं? अगर मदरसा शिक्षकों के और मदरसों के इतने ये हमदर्द हैं तो इन्होंने मदरसा का जो बजट था उसको 93% कम क्यों कर दिया, बता पाएंगे ये? मेरे इन दोनों सवालों का जो मदरसे थे अभी करीब, आपको पता है मदरसों में क्या होता है,
मदरसों में जो शिक्षा अगर मैथ का टीचर है तो उसको मैथ नहीं आती है, आज साइंस का टीचर रखा गया तो उसको साइंस नहीं आती है। इस तरह के अध्यापक मदरसों में किए गए, मनमानी की गई है, उन सबको इसके रोका गया और जांच चली है और बहुत बड़ी अभी कार्रवाई होने वाली है। मदरसों के अंदर जो टीचर रखे गए अपने रिश्तेदारों को रखा, अपने भतीजों को रखा, इस तरह से मनमानी का काम करने का काम किया गया है। अभी बाल संरक्षण आयोग द्वारा जो जाँच की गई है उसमें पता चला जो टीचर मानक के अनुरूप रखने चाहिए वो अध्यापक नहीं है मदरसों के अंदर। मदरसों के साथ मदरसों में अगर सबसे बड़ा जुर्म किया गया तो मुसलमान ने जुर्म किया है। जिस तरीके से आपकी पार्टी को कहा गया कि आपकी पार्टी ने देश का विकास नहीं किया, जब तक आपकी जो सरकार थी तब तक यूपी में विकास नहीं हुआ और हमारे राज्य में विकास हुआ है, राम राज्य आया है और इन 6 सालों में लगातार यूपी उत्तर प्रदेश बन रहा है। जी नितेंद्र जी, 150 दंगे हुए, 150 मुसलमानों को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल करती है। नितेंद्र जी, साफ तौर पर कहा गया कि 150 दंगे हुए हैं आपकी सरकार में और पिछले 6 साल में कोई दंगे नहीं हुए। मुस्कान जी, अब मैंने देर से सबको सुना है, अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल नितेंद्र जी, नितेंद्र जी आपकी बात बिल्कुल 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 अब जी जवाब दीजिए। मैंने 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 धैर्य से सबको सुना जी। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। मैं यही बात मुस्कान जी कह रहा हूँ कि कुछ खबरें लगती है लेकिन विज्ञापन होते हैं, कुछ विज्ञापन खबरें लगते हैं। आज जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लगातार जी आपकी बातों को सबने अच्छे से सुना, अब आप भी सबकी बातों को सुनिए। सर अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम किसी की बातों को नहीं सुन पाएंगे। शफा जी एक एक करके जवाब दीजिए। शफा जी आपको पूरा मौका दिया गया था, शफा जी आपको पूरा मौका दिया गया था, आप बाकियों की भी सुनिए। जी नितेंद्र जी बोलिए। अरे जनता शफा जी अगर आप शांत नहीं हुए तो फिर हमें आपकी आवाज को बंद करना पड़ेगा। नितेंद्र जी बोलिए। जी नितेंद्र जी बोलिए। हमने ये कहा कि आज ये तो पहली चीज है, भाजपा का ये जो प्रवक्ता बैठाते हो ये एक तो पहली चीज प्रवक्ता नहीं है, ये जाहिल आदमी है और ये दूसरों को डिस्टर्ब बहुत करता है, ये बोलने नहीं देता किसी को। और ऐसी डिबेट में मैंने पहले भी आपके चैनल मना किया कि मैं डिबेट में शामिल नहीं होना चाहता हूँ, अब मैं आपकी डिबेट छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये कुछ बोलने नहीं देंगे। नहीं नहीं सर, अब आपके पास पूरा मौका है, आपके पास पूरा मौका है, आप जवाब दीजिए। अब मुझे लेकिन डिस्टर्ब ना करें, इनको बता दीजिए वरना मैं डिबेट छोड़ दूंगा आपकी। मैंने कहा आज इतने आंकड़े इन्होंने छापे हैं अखबार के विज्ञापन में, मैं सिर्फ इस पर बात करना चाहता हूँ। ये फिर बोला बेवकूफ छोड़िए। नितेंद्र जी आप बोलिए, उनकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। नितेंद्र जी उनकी आवाज को हमने पूरी तरीके से डाउन कर दिया है, आप बोल सकते हैं अपनी बात। जी शफा जी, जी शफा जी आप क्या कह रहे थे बोलिए। फर्जी फर्जी मदरसों का रजिस्ट्रेशन आपके सरकार में हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी सरकार उनको सस्पेंड करने का काम कर रही है जो उसमें लिप्त थे अधिकारी जी। फर्जी मुसलमान फर्जी मदरसे खुलवाने का जिम्मेदार कौन है? इमरान जी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? समाजवादी पार्टी के महान प्रवक्ता जवाब दीजिए। आपकी सरकार में फर्जी मदरसों का रजिस्ट्रेशन हुआ, आज हमारी सरकार डीएमओ को सस्पेंड करने का काम कर रही है। सर नितेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क करने का काम कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि आपकी सरकार में अपराध तो कम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। 1 साल आपने निकाल लिया, आगामी 4 साल का प्लान क्या है आपका? किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में विकास करेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश का विकास जनता के बीच में रहकर जनता के मुद्दों के साथ हमारी सरकार करेगी और जो हमने संकल्प लिया है, जो हमने अपने संकल्प पर वादा किया है माननीय योगी सरकार, उसको पूरा करने का धरातल तक पहुंचाने का काम करेगी। इसमें हमें किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है। विपक्ष अगर उसको लगता है तो वो जनता के बीच में जाए और आए चुनावी मैदान में,
अभी नगर निगम का चुनाव आ रहा है, जनता इनको उखाड़ कर फेंकने वाली है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव में जितना भी भ्रष्टाचार है वो सब इनके लोग करते हैं। और ये देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनाव में एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत कराएगा और विकास का कार्य करेगा। योगी जी की सरकार, इस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। अगर कोई भ्रष्टाचार की उंगली उठाए तो साबित करे कि वो भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार में जितना विकास हुआ, दंगा मुक्त सबसे बड़ा उत्तर भारत के अंदर ही है, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, दंगा मुक्त भारत है। आतंकवादियों की हिम्मत नहीं होती कि भारत के अंदर सीमा के अंदर प्रवेश कर जाए। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, जिससे जो हमने संकल्प किया था उसको हमने पूरा किया है, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त किया। ये हमारे महान जो है योगी जी की उपलब्धि है, और विकास की तरफ हमारा प्रदेश बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। जनता का सहयोग हमें मिल रहा है और मिलता रहेगा। बिल्कुल सर, आपने ये तो कह दिया कि आपकी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त है, लेकिन जब कानपुर में एक माँ बेटी को जिंदा जला के मार दिया जाता है और जब प्रयागराज में दिन दहाड़े गोलियां चलती है, तब आपकी व्यवस्थाएं कहाँ जाती है? हमारी व्यवस्थाएं तुरंत इलाहाबाद की घटना पर आपने देखा कि जो लिप्त उसके अंदर थे उनको सीधे ऊपर पहुंचा दिया गया है। सर, आपकी जानकारी के लिए फिर मैं आपको बता दूं कि अभी तक मुख्यारोपी की गिरफ्तार से बाहर है पुलिस के। योगी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दो लोगों को इनकाउंटर में मार गिराया। ये हमारी सरकार की मुख्यारोपी कहाँ है? मुख्यारोपी कहाँ है? मेरा सवाल मुख्यारोपी जेल में है। मुख्यारोपी जेल में है, जो संदिग्ध है उससे पूछताछ चल रही है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और ये बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि वहां से यहाँ आने में गाड़ियां पलटती रहती। यानी कि पुलिस की तौर पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन प्राइम टीवी के माध्यम से आपने ये पुष्टि कर दी है कि जो उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी है वो जेल में है। वो जेल में बंद है और पुलिस ने ये नहीं, पुलिस ने उनका लड़का, पुलिस ने सर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है इस बात की। फुटेज में उनका लड़का था, फुटेज में उनका लड़का देखने को आया, सारे पुलिस वालों ने उनको बताया, उनके लड़के की पुष्टि की। जो दो लोग थे उनका लड़का फरार है, पुलिस उसको तलाश कर रही है, और जो दो लोग थे वो एनकाउंटर में मारे गए, मुठभेड़ में मारे गए। ये पुलिस ने देखा, ये पुलिस की ये कार्रवाई है, ये मुख्यमंत्री योगी जी की कार्रवाई है, क्योंकि जब सपा सरकार थी तो आप देखा कि मुजफ्फरनगर दंगे को किस तरह से रोका जाता था। दंगों हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितेंद्र जी से। मेरा सीधा सवाल यह है कि आपकी सरकार पर ये इल्जाम लगाए गए कि 150 दंगे आपकी सरकार में हुए। शफा जी आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन अब नितेंद्र जी की बारी है। अब आप उनकी भी बात सुनेंगे और आपको उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, वरना हमें आपकी आवाज को म्यूट करना पड़ेगा। मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। हाँ तो बिल्कुल, उन्हें बोलने का मौका दीजिए सर। नितेंद्र जी जवाब दीजिए। नितेंद्र जी, सवाल ये था कि अभी कहा गया शफा जी की तरफ से कि आपकी सरकार में तकरीबन 150 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, लेकिन बीते 6 सालों में यूपी में जब से उनकी सरकार आई है कोई दंगे नहीं हुए हैं। जी मुस्कान जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। एक्चुअल में है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं जी, इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। अभी आपको बताया कि एनसीआरबी के आंकड़े तो बताएंगे, एनसीआरबी के आंकड़े तो उत्तर प्रदेश सरकार ही देती है, और जो थानों मुकदमे दर्ज होते हैं उसी का आंकड़ा वहां एनसीआरबी में दर्ज होता है। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश 23वें स्थान पर चला गया कानून व्यवस्था के मामलों में, पिछली सरकार से कहीं ज्यादा अपराध इस सरकार में हुए। ये आंकड़े सरकार की बता रहे हैं, जो मेरे आंकड़े नहीं। दूसरा, मैं लगातार आज बता रहा हूं कि आज अखबार उठा के देख रहा हूं, इन्होंने इतना झूठ बोला है कि उत्तर प्रदेश में 1,06,000 टोटल गाँव है, और इन्होंने ये दावा किया कि 1,21,000 गांवों में इन्होंने विद्युतीकरण कर दिया। तो ये क्या पाकिस्तान के गांवों में विद्युतीकरण करके आ गए क्या? इन्होंने लिखा है कि 75 करोड़ लोगों को हमने निशुल्क गैस कनेक्शन दे दिए हैं, 5 करोड़ परिवार उत्तर प्रदेश में रह नहीं सकते हैं, पूरे भारत में 25 करोड़ परिवार नहीं होंगे। तो ये बताइए, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने 1.5 करोड़ लोगों को, एक सुविधा राज्य की 1.5 करोड़ लोगों को इन्होंने कुछ दिया है, मतलब जो संभव ही नहीं है, आबादी से ज्यादा इन्होंने दावा कर दिया है। तो इसका मतलब है कि अभी तक 67 सालों में प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं। किसी के घर में बिजली नहीं थी, किसी घर में रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था, किसी के घर में खाना नहीं बनता था। ये जब से आदरणीय योगी जी आ गए उसके बाद ही ये सब होने लगा है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार झूठी सरकार है, चंदा चोर सरकार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपराध के मामलों में जब जब ये सरकार आई है तब तक थानों के अंदर लैंड ऑर्डर इतना टूटा है, थानों के अंदर हत्याएं हुई हैं। प्रयागराज की जो घटना जिसको लेके पीठ थपथपा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है कि सिविल लाइन चौराहे के अंदर
एक अधिवक्ता को जिसके पास सरकार की सुरक्षा प्राप्त थी उसको लगातार स्थान अपराधियों द्वारा गोलियों से भून दिया गया और अभी तक मुख्य अभियुक्त तक पहुंचा नहीं जा सकता है। इससे ज्यादा सर्वसार करने वाली घटना नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में, अभी बिजली की बात बताइए, 8 सालों में 6 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सा नया बिजली प्लांट लगाया? जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बिजली के प्लांट लगे थे उन्हीं से सरकार काम चला रही है। सड़कों के मामलों में आपने देखा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में किस तरीके से सड़कें गिनाई, माननीय मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाए। आप गाजियाबाद से दिल्ली तक की पहली एलिवेटेड सड़क उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई, बताइए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 6 सालों में कौन सी एलिवेटेड सड़क बना दी, कौन स्टेट हाईवे बना दिया है? इतनी मेट्रो का परियोजनाओं की शुरुआत समाजवादी सरकार ने किया था, एयरपोर्ट जिनका दावा कर रहे हैं इतने संचालित इतने निर्माणाधीन, अभी तक एक अस्पताल जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई गई वो यूनिवर्सिटी अभी भी एक अस्पताल की 8वीं मंजिल पर चल रही है, अभी तक उसका निर्माण नहीं किया जा सका। लगातार ये सरकार सिर्फ झूठे दावे कर रहे हैं, तभी मैंने कहा कि ये सब इनकी गांवों का मौसम बहुत गुलाबी है, ये इनके आंकड़े झूठे और दावा किताबी है, सिर्फ और सिर्फ ये सरकार झूठे। और एक बात बता दूं आपको मुस्कान जी कि इन्होंने देश के टैक्स पेयर्स का पैसे की बड़ी बड़ी होल्डिंग, अभी मैं दिल्ली से आ रहा था तो लगी थी कि 38,000 करोड़ रुपए का निवेश जो एमयूओ साइन हुए, एमयूओ साइन होने का मतलब निवेश आना नहीं होता है, उसकी कोई वैधानिकता भी नहीं होती है। और मैं तो बताऊं कि हमारे जो भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं इनको तो एमयूओ का मतलब भी नहीं पता होगा, मैं दावा करता हूं उनसे फुल फॉर्म पूछ लीजिए एमयूओ क्या। शफा जी अब आप जवाब दीजिए, अगर क्या आपको मतलब पता है, सीधा आपसे सवाल क्या गया है, जवाब दीजिए अब आप। नहीं मुझे नहीं पता है, ऐसे सवालों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन सर सीधा सवाल उठा दिया गया कि जिस निवेश की बात कर रहे हैं, जिस एमओयू की बात आप कर रहे हैं, उसका मतलब भी आपको नहीं पता। नहीं सुनिए, मैं ऐसे फालतू सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ। मुझे इस बात का ये जवाब दें कि 2012 से 17 तक जनता प्रदेश की जानती है कि बिजली सैफई में रहती थी या रामपुर में रहती थी, पता है? आज गांव में 24 घंटा बिजली रह रही है, 18 घंटे बिजली रह रही है, इसका जवाब देंगे? जाइए गांव में जाकर के देखिए, पूछिए गांव के लोगों से। और ज्यादा पैसा ये सैफई में नाच गानों में खर्चा करते थे, इनको क्या पता? ये जवाब नहीं देंगे, इंडिया स्वतंत्र इनकी सरकार में हुआ, इनकी सरकार में मुजफ्फरनगर में रहने हुआ। देखिए जाकर के लोगों से पूछिए किस तरह नहीं चल रहा है, किस तरह मुजरिमों को बचाने का काम किया गया। और ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। मैं पूछना चाहता हूँ अगले चरण में इनका कद्दावर नेता जो इसो का जमहूरी के बारे आदम खान 27 महीने जेल में है, क्या इनके मुखिया उनसे मिले हैं? फर्जी मुसलमानों को धरने का काम करते थे, मुसलमानों को बनाने का काम करते थे, समाजवादी पार्टी के नीचे 15 कर्मचारी 35,000 करोड़ मिलने गए, इन्वेस्टमेंट करेगी। इस तरीके से जवाब दीजिए, फेक बातें करना बंद करें, जनता पार्टी सही धरातल पर आए, जिसकी जनता का कल्याण हो। भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की जनता को झूठे आंकड़े देने वाली पार्टी सिर्फ कागजों में सरकार चला रही है। 2024 से पता चलने लगेगा अब जनता गई उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी दुश्मन समाजवादी पार्टी, जिसने वोट बैंक के नाम पर मुसलमानों का इस्तेमाल किया और बीच हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत फैलाने का काम किया वो समाजवादी पार्टी है, जिसने हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया, तुष्टिकरण का काम किया। हमारी सरकार में बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो चाहे मुस्लिम को, सबको एक समान समझा जाता है। और बहुत जल्द समाजवादी पार्टी समझ ले 24 का चुनाव आ रहा है, जो बची है बता रहे साख बचाने के लिए काम करो। सरकार में लैंड ऑर्डर की क्या पूछे, 23वें नंबर पर है, जनता बहुत जल्दी साफ करने वाली है, बहुत जल्दी साफ करने वाली है। 24 के चुनाव में अस्तित्व नहीं बचेगा, इसलिए सत्य बोलना शुरू करिए, पाप ने पाप से प्रायश्चित करिए। इस देश आपकी सरकार में 150 दंगे हुए और बेचारे लोग बेघरों से बेघर हो गए, उनके घरों को जलाया गया, इस चीज को जनता भूल नहीं पाई है। देख लीजिए किस तरह कांग्रेस का तपाया हुआ, कांग्रेस की सरकार आजादी के समय मालूम है आपको 15 लाख लोगों की हत्या हुई, आज कांग्रेस का अस्तित्व क्या है आप देख लीजिए। आप
नितेंद्र जी, अब आपके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किया जाने लगा है। वहीं अभी शफा जी ने कहा कि नगर निगम के चुनाव में जो निकाय चुनाव आने वाले हैं उसमें सपा का सफाया होगा। पार्टी में कूट कूट के भरा जनता ठंड है, इनको एक सीट निकालना पर नगर निगम के छोटे बच्चों में छिपके आ जाएंगी। जनता याद दिलाएगी आपको किस तरह पुरानी ईंटें निकाल करके और उसी को साफ करके लगाएंगे। सर, आप लोग एक एक करके सवालों का जवाब दीजिए ताकि हमें आपकी बातें भी समझ में आए। अगर आप दोनों साथ में बोलेंगे तो हम किसी की बातों को समझ नहीं पाएंगे। आप दोनों एक अच्छी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आप गरिमा को बनाए रखें। शफाक जी, नितेंद्र जी, गरिमा को बनाए रखें। बताइए अभी इस तरीके से आपकी बातों को कोई नहीं सुन पाएगा। इस तरीके से आपकी बातों को कोई नहीं सुन पाएगा। आप लोग एक एक करके बोलिए। शफा जी, मेरा सवाल नितेंद्र जी से था। आपकी बातों को सबने सुना, लेकिन अब नितेंद्र जी को बोलने का मौका दीजिए। नहीं शफा जी, इस तरीके से नहीं चलेगा। सफा जी, इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर आपको सुना गया तो आपको भी सामने वाले को सुनना पड़ेगा। सर, ये समाजवादी पार्टी के फर्जी प्रवक्ता, इनको रोकने का काम करिए आप। सर, हम दोनों को रोकेंगे, लेकिन जब आपकी बातों को सुना गया तो आपको भी उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। फिर अगर आपकी बातों को सुना तो आप भी उनकी बातों को सुनेंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गलत आरोप बर्दाश्त नहीं करेंगे। सफा जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जब आपकी बारी आएगी तब आप अपने पॉइंट रखिएगा। अगर हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता हमको चुनाव में जवाब देगी। हम दावे से कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में हैं और जनता के मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ, नगर निगम के चुनाव में इनको इनकी हैसियत पता चल जाएगी। जी शफा जी, अब आपका सबने सुना, आपकी बातों को सुना, लेकिन अब आपको नितेंद्र जी को भी सुनना पड़ेगा। बिना बीच में मैं बिल्कुल सुनूंगा। ये बोले, मैं बिल्कुल सुनने को तैयार। जी नितेंद्र जी बोलिए। पागल आदमी यार, इससे बात करना बेकार। सर, आप लोग शब्दों की गरिमा को बनाए रखिए। सर, शब्दों की गरिमा को बनाए रखिए। सर, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। शब्दों की गरिमा को बनाए रखिए। जी, अपशब्द कौन बोल रहा है? मैंने कोई अपशब्द कहा हो तो बताइए। आप लोग शब्दों की गरिमा को बनाए रखिए। सर, इस तरीके से चर्चा नहीं होती, इस तरीके से डिबेट नहीं होता है। सर, मैं पूछ रहा हूँ कि 12 से 17 लगातार आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। आंकड़े पे बात कर लीजिए भाई। आंकड़े में बात कर रहा हूँ, 12 से 17 तक का आंकड़ा भी। अरे मैं लगातार बजेंगे और मैं सुनता रहूंगा। क्या भाई, इतना टाइम और गोली चलाई आपकी सरकार? चलिए, इसको स्वीकार करिए। कार सेवकों के हत्यारे हो आप, स्वीकार करो इसको। अयोध्या में कार सेवकों पर, अरे तुम जी आपने कहा, बताओ ना, नहीं हुए थे, झूठ बोलते हो। ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री पढ़ के आते हो। तुम्हारा मुख्यमंत्री सदन में कहता है कि 46 में 56 यूनिवर्सिटी, हम ये कहाँ से लाते हो? कार सेवकों जवाब दीजिए, सदन में क्यों नहीं बोल पाते हो? अयोध्या में गोली किसने चलवाई? तुम्हारे मुख्यमंत्री जब झूठ बोल रहे हैं, ये पेपर में विज्ञापन झूठे छपवा रहे हो, छपवा रहे हो? बताइए, जब 1,06,000 गांव है तो 1,21,000 गांव में जनता कहां से किया? पाकिस्तान के गांव का किया, बांग्लादेश के गांव का किया, नेपाल के गांव का किया? 70 करोड़ लोगों को तुमने बताया कि रसोई का कनेक्शन दिया है? 5 करोड़ लोग रहते नहीं, भारत तो 25 करोड़ परिवार नहीं है। भारत टोटल, पूरे भारत तो 25 करोड़ परिवार, उत्तर प्रदेश 5 करोड़ परिवार, 75 करोड़ लोगों को तुमने रसोई का कनेक्शन दे दिया है। ज्यादा झूठी बात क्या होती है? निकाल कर बाहर फेंक दिया। लोग आते हो, पढ़ने के आते नहीं हो, विज्ञापन झूठे छपवाते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ झूठी सरकार जनता क्यों करता है? क्या जवाब देंगे तुम्हारे आंकड़ों का? उत्तर प्रदेश 23वें नंबर पर है। जवाब के आंकड़ों बता रहे हैं, अपराध के मामले में सबसे पीछे है। जनता कहां पर लेकर जाएंगे? जनता की आंकड़े उठा करके देखा करो, सिर्फ आकर के चिल्लाने लगोगे? आप जवाब करके झूठा दंगे दंगे, अरे दंगे करने वाले सरकार काम कर रहे हैं, जनता ने चुन के चड्डी अभियान गिरो, जो सरकार चला रहे हैं। और 12 से लेकर 17 तक 150 दंगे हुए हैं। सारे अपराधी बलात्कारी भाजपा में शामिल हो गए, सरकार में बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ है, सरगना सरदार बन गए हैं। पूरी तरीके से झूठ के आंकड़ों पर मैं तो दावा करता हूँ, मेरे खिलाफ कोई कहे, मैं अखबार लेकर बैठा हूँ। आज तो मेरा अखबार पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। इतना झूठ छापोगे, तुमने चला पढ़ते लिखते और 12 से 17 तक 150 करोड़ नहीं हुए, जनता सुन रही है। 1,23,000 गाँव का विद्युतीकरण,
जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी नहीं होगी उससे ज्यादा दावा कर दोगे। अरे आप जवाब दो, इनके सवाल के जवाब दो। 6 करोड़ लोगों, और आपको बता दे जो आप चिल्ला रहे थे, मथुरा के शाही मस्जिद के जो अध्यक्ष हैं वो लखनऊ आए थे और हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से कहकर गए हैं कि आपसी समझौते से बातचीत करेंगे। इस पर आपको कोई दिक्कत? बहुत जल्द आपसी समझौते से ये बातचीत खत्म हो जाएगी। नितेन जी बताइए, क्या आपको कोई दिक्कत है अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला आपसी सहमति से सुलझ जाएगा तो? कोई दिक्कत है आपको? नितेन जी बताइए, फैलाने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनको स्वीकार नहीं होगा। नितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि उन्होंने कहा कि अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला आपसी समझौते से सुलझ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत होगी? नहीं जवाब देंगे, आवाजें नहीं निकलेगी। नितेंद्र जी, लेकिन सर मेरा सवाल अभी आपसे यूं ही बरकरार है कि एक साल तो आपकी सरकार को हो गया, 4 साल आप और किस रणनीति पे काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाए? देखिए, सबका उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं है, उपयोगी है और सबका साथ, सबका विकास, हमारी सरकार उस पर काम करेगी और सबका विश्वास ये जनता पर हम हमारा है, इसलिए हम पूरे विश्वास में कहते हैं कि नगर निगम से जो चुनाव होगा जल्दी से बस मैं 10 मिनट नितेंद्र जी के पास जाऊंगी 10 सेकंड के लिए। जी नितेंद्र जी जवाब दीजिए, आपसे सवाल क्या गया था कि अगर आपसी सहमति से श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला सुलझ जाता है तो क्या आपको दिक्कत होगी, क्या आपको तकलीफ होगी उससे? ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, दिक्कत तो होगी। चलिए ठीक है, समय की कमी के कारण हमें आप सभी को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक और साल पूरा हो चुका है, यानी कुल 6 साल का समय पूरा हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी 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 सर, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर वास्तव में धर्म का बाजारीकरण नहीं करना चाहती है तो बुलाए पक्षों को, बैठ के आपसी पारस्परिक सहमति से कोई रास्ता निकाले। सबसे पहले समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी। ये लोग सिर्फ धर्म का बाजारीकरण करना चाहते हैं, कभी नहीं निपटाना चाहते। बातचीत हो सकती है, आपकी नॉलेज में हम डाल दें, और नफरत का बीज अब आप लोग नहीं धो पाओगे। जी धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि एक साल बेमिसाल और सीएम योगी आदित्यनाथ के 4 साल का प्लान क्या है, जिस पर लेकर हमने चर्चा करने की भी कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से सभी प्रवक्ता आपस में लड़ते हुए नजर आए, ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, क्योंकि इससे हमारी जनता तक उनकी बातें नहीं पहुंच पाई। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को 1 साल और पूरा हो चुका, यानी कुल 6 साल हो चुके हैं। ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया, उन्होंने दिखाया कि आखिर इन 6 सालों में किस तरीके से काम हुआ। लेकिन अभी भी लगातार जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई चरम पर है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो लगातार ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन के ही रहेगा, जिसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।